दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान की। जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, इसी प्लान को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 30x30 का प्लान है और ये विलेज के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान है। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर थे, वो हमें लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमें एक ऐसा प्लान दीजिए जिसमें पोर्च के साथ बारंदा को भी इंक्लूड किया गया हो और इसके बाद सारा पूरा मकान बना हुआ। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे काफ़ी लोगों के रिकमेंडेशन के बाद इस प्लान को क्रिएट किया है। मैं जो भी मॉडल क्रिएट करता हूँ ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्रिएट करता हूँ, क्योंकि ग्रामीण लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट पता है। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं और उनकी मैं चाहता हूं कि उनको लो बजट में बेहतरीन सा प्लान मिल सके। तो उस प्लान उस पूरे आइडिया को फुलफिल करता हुआ प्लान है 30x30 में। बस इसमें पोर्च आपका एक्स्ट्रा हुआ है। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारा प्लान या थंबनेल आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को पहले से ही लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो चलो आज का जो प्लान है उसे हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, एक बेहतरीन सा प्लान आपके सामने मैं आज पूरा एलिब्रेट करने वाला हूँ। ये पूरा 30x30 में बस पोर्च आपका ये 6 से 7 फीट का एक्स्ट्रा मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। काफ़ी मेहनत लगी है मुझे बनाने में और समय भी लगा है, क्योंकि मैंने 2 दिन से ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो नहीं बनाया था और मुझे इस मॉडल को काफ़ी समय लगा। लेकिन जब मॉडल बनकर रेडी हुआ तो जो मैं नहीं चाह रहा था उससे भी बेहतरीन ये मॉडल बना हुआ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच पा रहा था कि ऐसा भी बनेगा कि, लेकिन जब मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में था कि बहुत ही खूबसूरत प्लान मैं अपने व्यूवर्स को देने वाला हूँ, सब्सक्राइबर्स को दूंगा, और उसी को फुलफिल करता हुआ प्लान है। आप देख भी पा रहे होंगे, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये फ्रंट है और साइड में आपका ये एक लोगों का प्लान था, उनका खेत में घर उन्हें बनवाना था, इसलिए मैंने उनकी चारों तरफ विंडो दे रखी जहाँ भी उन पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आपके पास जगह केवल फ्रंट में है तो आप इन विंडोज़ को हटवा सकते हैं। उन्हें पीछे भी विंडो चाहिए थे, पीछे एक डोर भी चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी उनके पीछे और भी जगह पड़ी है जिसे वो बाईपास कर सकें, इधर से उधर मूव कर सकें। इसके बाद बात करें इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर भी मैंने 2 विंडो दिया है। फ्रंट का आप देख ही सकते हैं कितना बेहतरीन सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। आगे एक पोर्च बना हुआ है, पोर्च के जस्ट पीछे बारंदा है और मैंने यहाँ पर अपना चैनल का नाम भी लिख रखा है, क्योंकि लोग मैंने देखा बहुत से लोग हैं जो इमेज को कॉपी करके दूसरी जगह प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और क्रेडिट तो फिलहाल देते ही नहीं। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि अगर आप शेयर भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह तो क्रेडिट तो दे सकते हैं, बट वो भी नहीं करते। चलिए, इसलिए मैंने यहाँ पर नेम वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया है। तो अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर ओवरऑल है जो मैंने आपके सामने बनाया है। सबसे पहले 2 पिलर है, उस पर एक पोर्च का डिज़ाइन बना हुआ है। इसके बाद आप स्टेयर्स यहाँ पर मैंने राउंड शेप की दी है। आप चलना स्टार्ट करेंगे तो आप पोर्च पे चलेंगे, इसके बाद आपके पोर्च के बाद बारंदा देखने को मिलता है। बारंदा लगभग 7.5 से 8 फीट का मैंने कवर्ड किया है। इसके बाद मैं टॉप व्यू आपको पहले दिखा देता हूँ घर का, घर को आप ऊपर से कैसे देख पाएंगे, ऊपर का जो प्लान है वो कैसा होने वाला है। देखिएगा, टॉप व्यू आपका पूरा ऐसा बनने वाला है, बहुत ही खूबसूरत प्लान है। यहाँ पर मैंने बॉर्डर वगैरह भी क्रिएट किया है घर के बारंदे में और यहाँ पर चेयर्स वगैरह पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। दोनों तरफ बेडरूम से, इसलिए दोनों तरफ मैंने विंडो दिया, प्रॉपर वेंटिलेट होता रहे घर आपका। मेन डोर आपका ये बना हुआ है, मेन डोर के साइड में भी आपके विंडो लगे हैं वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद जैसे आप एंट्री करते हैं ना घर में, तो आपको सबसे पहले लेफ्ट और राइट दोनों साइड बेडरूम मिलते हैं। आप किसी को भी गेस्ट रूम बना सकते हैं। अगर आप फ्रंट से भी दरवाजा चाहते हैं किसी भी रूम में तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं और जगह आपके पास ऑलरेडी है। इसके बाद अंदर जाते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ बेडरूम में जाने के लिए डोर दिया है। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको स्टेयर्स मिलती हैं, जिसकी चढ़ना स्टार्ट करेंगे टर्न होकर बाहर की तरफ आ जाएंगे और जस्ट स्टेयर के सामने एक लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया है। इसके बाद आप पीछे जैसे पहुँचते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पर एक आपको बेडरूम और देखने को मिल रहा है। इसके बाद लेफ्ट हैंड की बात करें, राइट हैंड की बात करें तो यहाँ पर किचन और किचन के जस्ट पीछे एक कॉर्नर पर मैंने सेपरेट लेट बाथ और दिया है। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर चाहते हैं 2 लेट बाथ अपने घर में तो आप बनाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले से एक बना चुका हूं तो आप इसे हटा भी सकते हैं, पूरे के पूरे को किचन बना सकते हैं अगर आपको बड़ा किचन चाहिए। और पीछे की तरफ भी मैंने एक डोर दिया है, जिससे जिनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको पीछे भी डोर चाहिए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पहले से जगह पड़ी हुई है तो वो यहां से बाईपास हो सकेंगे, अपनी पीछे वाली जगह में भी जा सकेंगे। तो ये ग्राउंड फ्लोर मैं मैक्सिमम जूम करके आपको दिखाता हूं, जिससे और चीजें को आप समझ सकें, प्रॉपर चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीजें। जो यहां पर मैंने पिलर यूज किए हैं ना दोस्तों, ये आपके थोड़े जो महलों में यूज किए जाते हैं उस टाइप के पिलर बने हुए, इसको आपको डिजाइन पीओपी वाले से कराना होगा या मार्केट में पिलर बनने के बाद भी इसके डिजाइन हो जाते हैं। नॉर्मल पिलर बनवाइएगा जो लगभग 9 इंच का पिलर होता है जो स्क्वायर फीट में, तो उस पिलर के बाद भी उसमें ऊपर से डिजाइन बन जाती है, इसका कोई खास वो नहीं, लेकिन बस हाँ डिजाइन बहुत ही बेहतरीन लगता है। फ्रंट का जो मैंने बीम का डिजाइन दिया वो भी आपका पीओपी वाला बंदा ही बना पाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। लास्ट फ्लोर पर मैंने
हालांकि कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया क्योंकि 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ दिया और उसमें ग्रिल का इस्तेमाल कर दिया है और बाद बाकी आपका पूरा छत सेम बिल्कुल प्लेन रहता है। मैंने यहाँ पर गुमटी भी क्रिएट नहीं की है, आप उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मॉडल हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्मॉल हाउस को तो जरूर कर लें। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने एक पेड सर्विस इस्तेमाल की है चालू की है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड सर्विस में मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ और वहाँ पर आपको जो भी 2D या 3D प्लान बनवाना होता है उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान क्रिएट करता हूँ। वो लेकिन हमारी पेड सर्विस में 50% पेमेंट आपको एडवांस देना होता है, 50% बाद में देना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। और केवल वही लोग कॉन्टेक्ट करें जो पेड सर्विस लेना चाहते हैं क्योंकि वहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लान नहीं क्रिएट करता हूं। तो इसलिए आप हमें तभी कॉन्टेक्ट करें जब आप हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।